हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मिक्स पैकेट से टेस्टी और लाजवाब पिस्ता फालूदा मिक्स की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम पर और ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। आप इसे गर्मियों में बहुत ही आसानी से झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आप इन तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे मोमेंट का पिस्ता फालूदा मिक्स का ये पैकेट है। ये 200 ग्राम का पैकेट है और इसका जो MRP प्राइस है वो 80 रुपए है। आप इस पैकेट से बहुत ही ज्यादा लाजवाब और बहुत ही कम टाइम पर पिस्ता फालूदा बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये पैकेट आपको किसी भी सुपरमार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 1 लीटर मैंने यहाँ पर फुल फैट वाला दूध लिया और इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पैकेट को कट कर लेंगे। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें फालूदे का पूरा मिक्सर ऐड करेंगे। आपको अलग से कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, सारा पैकेट में ही ऐड होकर आता है। सर्विंग के टाइप आप थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे 15 मिनट पकने देंगे। 15 मिनट में ये काफी अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। फालूदे को पकते हुए 10 मिनट हो चुके, ये देखिए 10 मिनट में ये काफी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट इस तरह से चलाते हुए और पका लें। इंस्टेंट मिक्स पैकेट से फ्रेंड बहुत ही कम टाइम पर आप टेस्टी फालूदा बना सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो आप भी मेरे इस बताए हुए तरीके से इस फालूदे को बना सकते हैं। 5 मिनट ये देखिए फालूदे को और पका लिया है, काफी अच्छे से गाढ़ा और क्रीमी हो चुका है। तो इससे ज्यादा इसे यहाँ नहीं पकाएंगे, इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब फालूदा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम दोबारा चलाएंगे। इसके ऊपर की जो मलाई है इसे भी फालूदे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए काफी अच्छे से गाढ़ा और टेस्टी ठंडा ठंडा फालूदा बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर थोड़े से कटे ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे और ऊपर से इसमें फालूदे की सिवैयां भी ऐड कर देंगे। इससे जो फालूदा है और भी ज्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो ये लीजिए यहाँ पर टेस्टी और ठंडा पिस्ता फालूदा बनकर तैयार है, वो भी बहुत ही कम टाइम पर। तो आप भी इसे फ्रेंड बनाएं और मेरे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूले कि आपकी ये फालूदे की रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें।